हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सहनी के ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, अभी आए हैं हम अपने गांव में घूमने के लिए। और ये नज़ारा आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे वन का नज़ारा है जिसे चौर बोलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी हमारे वन में पूरे के पूरे धान अभी कट गई है, बस एक दो खेत में लगा हुआ है और ये भी धान अब कुछ दिनों में कट जाने वाली है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये हमारे गाँव का ये वन का ये नज़ारा है। इस वन में अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, ये हमारे वन का ये नज़ारा है, कितना शानदार नज़ारा है। आप लोग देखते रहिए और बस एंजॉय करते रहिए। दोस्तों, आगे आप लोगों को इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो क्वालिटी को देखने को मिलेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे गाँव का ये सीन है और आपको बैक कैमरा करके दिखा दूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी हमारे गाँव का ये धान कट गया हुआ है और ये अभी शाम की टाइम है। अभी हम लोग घूमने के लिए आए हैं और कुछ खेत ऐसे लगे हुए हैं जिसकी धान अभी कटने वाली है। दो चार दस दिन में ये भी धान कट जाएगी। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, ये अभी हमारे गांव का कितना शानदार नज़ारा है। और आप लोग भी देखिए, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, अगर गाँव के आप भी होंगे तो आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा होता है ये वन का। हम लोग तो वन बोलते हैं, गांव नहीं, चौर नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चौर को वन बोला जाता है और आप लोगों के गांव में शायद चौर बोलता होगा, तो हम भी चौर बोलते हैं। वैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये कितनी धान लगी हुई है और ये सब धान 8 से 10 दिन में कट जाने वाली हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये देख सकते हैं कितना शानदार, और ये है तार का गाछ। तो दोस्तों, ये आप लोग तार का गाछ देख सकते हैं जिस पे तारी मिलता है। तो दोस्तों, इसी तार पर से तारी निकाला जाता है और ये देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है। आप लोग एंजॉय कीजिए, देखिए। वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आगे आप लोगों को इससे भी अच्छे अच्छे क्वालिटी का वीडियो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।